सो अब हम बात करने वाले हैं मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हमने कंटिन्यू कर रखी है, जिसमें हमने फ्रंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात कर लिया था पिछली वीडियोज में। और अब हम बात करने वाले हैं मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। ये काफ़ी ईजी टॉपिक है और ये आप 12th से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। हमें पता है मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से आराम से बह सकती है, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं वो बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं ना, ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड जो है उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो इतना ज़्यादा हाई रहता है कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते हैं। देखो, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं, आराम से तो दूर की बात है, बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं। हाँ, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें आराम से नहीं जा पाते हैं, जो वैलेंस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आराम से नहीं जा पाते हैं। उसके लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है जो हमारे वैलेंस बैंड में है वो हीट देंगे, तो वहाँ से एक्साइटेड होकर के कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। यानी कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। और हमारे मेटल के केस में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से होता है, जिससे आराम से वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो इसे लिखना किस तरीके से है, क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के तौर पर, कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम इन चीज़ों को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। एंड द कंडक्टिविटी इज गिवन एज, कंडक्टिविटी को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा क्या है, यहाँ से पर सिग्मा है हमारे पास कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे हमारे पास तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। यार, जो चार्ज आयन जो हमारे पास है उसकी मोबिलिटी, यानी कि जो गतिशीलता है वो अगर बढ़ेगी तब हमारा जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। अब देखो, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे मूव नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में हमारी जो कंडक्टिविटी है वो लो हो जाएगी, यानी कि इतनी बढ़िया कंडक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी। तो हमारा जो चार्ज का जो मूवमेंट है वो उस पर भी डिपेंड करती है हमारी कंडक्टिविटी। ठीक है, अगली चीज है हमारे पास म्यू, कंडक्टिविटी हो गई। ठीक है, अगली चीज़ है हमारे पास इंसुलेटर। फर्स्ट हम बात करते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें लिखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर आर द वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देयर कंडक्टिविटी इज अबाउट नियर 10^-15 ओम की पावर -1, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट कंडक्ट, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, जिससे यहाँ पर कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते हैं ये, यानी कि इनके अंदर इनका जो कंडक्शन बैंड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, यानी कि ये बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो और इनकी जो कंडक्टिविटी जो होती है वो नियर अबाउट इतनी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी के द्वारा इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड जो होता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बट एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है उसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, सो ट्रांजिशन आर फॉरविडन, ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का। दिस एनर्जी गैप इज अबाउट 6-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी गैप है इसके बीच का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का एनर्जी गैप है वो 6-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है,
और ये काफ़ी ज़्यादा होता है एट एटोमिक लेवल, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है मेटल और कंडक्टर्स, और मेटल का हमें पता है यार, मेटल तो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो किस वजह से होते हैं वो देखते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, देयर कंडक्टिविटी इज अप्रोक्सीमेटली 10^4 से लेकर के 10^6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि इनकी जो कंडक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है ये हमारे पास पॉजिटिव में है, ठीक है, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी के द्वारा भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन मेटल्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर, सो इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकते हैं, और यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं उनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी डज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, यहाँ पर कंडक्टिविटी जो होती है ना ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसके केस में, और इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि इंसुलेटर के बीच में जो यार हाई जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और यहाँ पर इतना मिनिमम एनर्जी गैप है कि हमें टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं है, और टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो टेम्परेचर इसके जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की उनको कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। अगली बात करते हैं सेमीकंडक्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये आप 12th से पढ़ते आ रहे हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर बिलोंग टू मिड ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर, यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें वैलेंस बैंड और जो हमारा कंडक्शन बैंड है इसके बीच में जो एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर जब हम एनर्जी देते हैं हमारे उस सबस्टांस को, जैसे हमारे पास अगर बात करें सिलिकन की, तो सिलिकन के केस में यहाँ पर जो एनर्जी गैप है इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का, ना तो ये बहुत ज़्यादा है और ना ये बहुत कम है, तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकन के, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम घटाएंगे ना तो यहाँ पर कंडक्टिविटी घटती चली जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए जो भी सेमी कंडक्टर होते हैं वो एट जीरो टेम्परेचर या फिर बहुत कम टेम्परेचर, जैसे जैसे हम कम टेम्परेचर करते जाते हैं उनकी कंडक्टिविटी घटती चली जाती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बिलोंग करते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी जो होती है ये बीच में होती है, ना तो ये गुड कंडक्टर होते हैं ना तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जब हम इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं इनका, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, कंडक्टिविटी शो होती रहती है, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एज इंक्रीज द टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन मूव करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर, लो टेम्परेचर पर हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर, यानी कि इसके अंदर कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं होती है एट लो टेम्परेचर पर, ठीक है। बिकॉज एट लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यार यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लो टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी शो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं कंडक्शन बैंड में, इसलिए ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं एट लो टेम्परेचर पर, ठीक है। अगली चीज़, द कंडक्टिविटी ऑफ
सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग, यानी कि जब हम जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जब इसमें हम डोपिंग करते हैं, जो हमारी अदर मेटल्स जो होती हैं जैसे 13 पीरियड की है, ठीक है, 15th पीरियड की जो मेटल्स होते हैं इनके बीच में इनकी जो डोपिंग करते हैं, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, हमारे पास सिलिकन या फिर जर्मेनियम कोई सा भी है, हमारे पास जो प्योर हमारा जो सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकन आर्सेनिक जो भी है उसके अंदर अगर मैं एल्यूमिनियम मिला देता हूँ या फिर फॉस्फोरस मिला देता हूँ, एल्यूमिनियम हमारा 13वें ग्रुप से बिलोंग करता है और हमारा जो फॉस्फोरस है ये हमारा 15वें ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जब मैं इन चीज़ों की डोपिंग करता हूँ यानी कि अशुद्धियाँ मिलाता हूँ इन एलिमेंट्स की, जैसे एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस की अशुद्धियाँ मिलाता हूँ एक प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि जर्मेनियम के अंदर, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी शो होने लगती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इनकी। वो किस वजह से बढ़ती है, पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तब इन्हें अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो प्योर और एक हमारा मिक्सिंग किया हुआ या फिर डोपिंग किया हुआ सेमीकंडक्टर होगा। प्योर जो होगा वो सिलिकन होगा, जर्मेनियम होगा, इस टाइप का होगा, यानी कि हमारे जो मेटल्स होती हैं जो कि सेमीकंडक्टर होती हैं वो होंगी, ठीक है, और हमारी जो डोपिंग की हुई होती हैं वो एन टाइप और पी टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इंक्रीज बाय डोपिंग, सो द सेमी कंडक्टर्स आर क्लासीफाई इंटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में इसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है इंट्रेंसिक एंड सेकेंड इज एक्सटेरेंसिक। इंट्रेंसिक यानी कि इंट्रेंसिक वो होते हैं जो कि प्योर होते हैं जैसे कि जर्मेनियम सिलिकन आर्सेनिक ये, ठीक है, और हमारे जो एक्सटेरेंसिक जो होते हैं वो पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर हम डोपिंग करते हैं, जिसके अंदर हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं जिससे ये एक्सटेरेंसिक जो सेमीकंडक्टर हैं वो क्रिएट होते हैं। तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर मेटल या फिर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के बारे में छोटा सा वीडियो, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से हमारे सेमीकंडक्टर और पी टाइप और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।